गवर्नमेंट पार्ट्स। अब इसमें आ जाता है कि सिटीजन चार्टर एग्जैक्टली है क्या। सिटीजन चार्टर एज वी कैन से बोल सकते हैं कि जैसे कि आरटीआई है ना, सेम वैसे ही है, बट इसका रिलेशन टोटली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर वो आपको अगर सूचना नहीं देते तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप यही आरटीआई में जाएंगे तो आरटीआई में अगर वो आपको सूचना नहीं देते, अगर कोई चीज़ की जानकारी नहीं देते, देन यू हैव टू गो द सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें नहीं है, तो यही बात इसमें आती है, इसलिए बोला जाता है इसे सिटीजन चार्टर। और सिटीजन चार्टर का वर्किंग यानी हिंदी में बोल सकते हैं नागरिक अधिकार पत्र। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो सिटीजन चार्टर आया है, सबसे पहले कहाँ आया था। इन ग्लोबल स्नैरियो में देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आया था, जो कि सिटीजन चार्टर को क्या कहा जाता था उस वक्त में, सर्विस चार्टर 1997 में। एंड कनाडा में सर्विस स्टैंडर्ड इनिशिएटिव बोलते हैं, जो कि 1995 में। एंड देन थर्ड वन इज द फ्रांस, जो सर्विस चार्टर बोला जाता है 1992 में। एंड लास्ट वन इज द इंडिया, जो कि इंडिया में सिटीजन चार्टर 1997 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में सेम ईयर में आया था, बट क्या हुआ था उस वक्त में वो नाम सर्विस चार्टर बोला जाता है, एंड हियर द 1997 में इन इंडिया सिटीजन चार्टर बोला जाता है। अब बात यह आ जाती है कि जो सिटीजन चार्टर था ये किसने लिख रहा था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिख रहा था। और इसका मेन मकसद यही था कि जो आरटीआई, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी डिपार्टमेंट में आप चेक करेंगे तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी उसमें सिटीजन चार्टर का यानी रूल एंड रेगुलेशन दे रहा था। अगर भैया आप बात करेंगे आरटीआई का, तो आरटीआई का रूल एंड रेगुलेशन हर जगह हर डिपार्टमेंट में, इवन जैसे एसबीआई वेबसाइट पर देख लेंगे या तो आरबीआई की वेबसाइट, एवरेज जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी वेबसाइट पर सब पर आपको दिखेगा आरटीआई की रूल एंड रेगुलेशन। बट सिटीजन चार्टर मिनिमम दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सीएम के ऑफिसेस, सीएम के डिपार्टमेंट में देख सकते हो, एंड होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, किसी किसी के, इट्स नॉट कंपलसरी। तो बस यही इसका वर्किंग है। अब इसके आगे के बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ, इसमें प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।